नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारत ध्वज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे पीएफ मेंबर है जिनको एक प्रॉब्लम आती है जब वो अपने पीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं। जब वो अपना यूएन नंबर डाल के गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो वहां पे उनको एक एरर देखने को मिलता है कि नो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फाउंड अगेंस्ट दिस यूएन नंबर। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जिस यूएन नंबर को डाल के आप गेट डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं उस यूएन नंबर के साथ आपका कोई भी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट लिंक नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आपके एक यूएन नंबर के साथ सिर्फ एक ही पीएफ मेंबर वहां पे लिंक हो। यानी कि अगर आप चाहते हैं पीएफ को ट्रांसफर करना तो जिस यूएन नंबर के साथ आप लॉगिन करके ट्रांसफर कर रहे हैं उस यूएन नंबर के साथ आपके मल्टीपल वहां पे पीएफ मेंबर होने चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक से ज्यादा होने चाहिए तभी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे यूएन नंबर का जो पीएफ अमाउंट का बैलेंस होता है वो अपने नए वाले यूएन नंबर के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप अपने पुराने वाले यूएन नंबर को ही वहां पे डालें और तब गेट डिटेल पे क्लिक करें, तभी आपके पास वो एरर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे पीएफ मेंबर है जिनके सेम यूएन नंबर में एक से ज्यादा पीएफ मेंबर भी लिंक है तब भी उनको ये एरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये एरर उनको क्यों आता है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके और साथ के साथ उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी यहां पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन किया हुआ है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि जब मैं अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के लिए आता हूं तो वहां मुझे कौन सा एरर देखने को मिलता है और उस एरर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप अपने पीएफ को ट्रांसफर कर सकते हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख ले और उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी ऐड किया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब भी आप अपने पीएफ को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डालेंगे ऑनलाइन तो सबसे पहले आपको अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहां पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ट्रांसफर रिक्वेस्ट वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। ये देखिए यहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और साथ के साथ आपका आधार कार्ड भी यहाँ पे दिया होगा। उसके ठीक नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट Into which transfer will be effected, यानी कि आपकी जो present company है उसकी detail आपको यहाँ पे दी होगी। चलिए मैं आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेप वन नजर आएगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपने प्रीवियस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट का बैलेंस आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसको करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर और यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो आप जिस भी एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप यहां पे प्रीवियस एम्प्लॉयर को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपका सारा पीएफ आपके प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर कर दे। अगर आप चाहते हैं तो यहां पे प्रेजेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ठीक नीचे आपको यहाँ पे आपका यूएन नंबर नजर आएगा और अगर आपको यहाँ पे यूएन नंबर नहीं नजर आता है तो आप अपना यूएन नंबर यहाँ पे मैन्युअली डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपकी कंपनी का जो अकाउंट नंबर है, पीएफ अकाउंट नंबर है, वो आपको शो हो जाएगा। आपने प्रीवियस वाले अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करना है और ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको एक ओटीपी सबमिट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे स्टेप टू ऑथेंटिकेशन ओटीपी सबमिशन पे आएगा।
लेकिन अब देखिए जब मैं यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको वो एरर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे लिखा आ रहा है कि नो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फाउंड अगेंस्ट दिस यूएन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस यूएन नंबर में कोई भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है, वो इनको फाउंड नहीं हुआ है। ये आपको दो ही केस में आ सकता है, या तो आपके इस यूएन नंबर के साथ सिर्फ एक ही मेंबर आईडी लिंक हो, या अगर आपके इस यूएन नंबर के साथ मल्टीपल पीएफ नंबर लिंक है और फिर भी अगर आपको ये एरर आ रहा है तो मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद सबसे पहले मैं आपको सर्विस हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस यूएन नंबर के साथ मल्टीपल पीएफ अकाउंट लिंक है। तो कभी भी आप अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आप अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन करने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू का। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे सेकंड नंबर पे सर्विस हिस्ट्री आपको नजर आने लगेगी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक कर देंगे। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आपके पास यहां पे सर्विस हिस्ट्री शो हो जाएगी और इसमें आपके सारे मेंबर आईडी नजर आएंगे जो भी इस यूएन नंबर के साथ लिंक होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो मेंबर आईडी लिंक है, जबकि वहां पे हमें ये बताया जा रहा था कि कोई भी यहाँ पे उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो वहां पे सर्च नहीं कर पाया था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एरर आपको क्यों आया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो कंपनी आपको नजर आ रही है और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहले नंबर की कंपनी होती है वो आपकी जो होती है प्रीवियस कंपनी होती है, और यहाँ पे जो लास्ट वाली कंपनी होती है, जो सबसे नीचे कंपनी होती है, वो आपकी होती है प्रेजेंट वाली कंपनी। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो आपकी जो लास्ट वाली कंपनी यानी कि जो पहले नंबर की कंपनी है, इसका जो पीएफ अमाउंट है वो इस दूसरे नंबर वाले पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन दोस्तों वो एरर आपको इसलिए आ रहा था क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपने प्रीवियस वाले मेंबर आईडी में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे अपडेटेड है, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से आपको वो एरर आ रहा था। क्योंकि दोस्तों कभी भी आप अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट जो है वो अपडेट होनी चाहिए। ये देखिए डेट ऑफ एग्जिट ना तो ईपीएफ में यहाँ पे अपडेट है और ना ही यहाँ पे EPS में अपडेटेड है। तो इसको सबसे पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा डेट ऑफ एग्जिट को, उसके बाद आप बड़े ही आसानी से अपना पीएफ वहां से ट्रांसफर कर पाएंगे और वो जो एरर आपको आ रहा था वो आपको नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप डेट ऑफ एग्जिट खुद से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, तो जरूर उस वीडियो को देखिए और बड़े ही आसानी से आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर पाएंगे और बड़े ही आसानी से आप अपना पीएफ ट्रांसफर कर पाएंगे। इन दोनों वीडियो का जो लिंक है, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का और पीएफ ट्रांसफर करने का, डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में ऐड कर रहा हूं और डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कि आपको जो ये वो एरर था वो क्यों आ रहा था और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।